सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करने जा रहा हूं। तो गाइस मैंने कहा था आपको जो प्रीवियस वीडियो थी कि गाइस मैं आपको पाइथन का कोर्स कराने वाला हूं 1 महीने बाद या 1 महीने पहले या 1 हफ्ते में भी है। तो गाइस आज से स्टार्ट कर देते हैं, इतनी देर क्यों लगाएं। ओके तो गाइस हमारा जो कोर्स होगा पूरा पाइथन का, वो 1 से 2 दिन मतलब हर हफ्ते 7 डेज होते हैं 1 वीक में। आपकी मैक्सिमम 3 क्लासेस आनी है। ओके जिसमें मैं आपको जॉन को मतलब जॉन जॉन से आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, वो सभी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ पावर पॉइंट स्क्रीन पर। ओके तो गाइज मैंने आपको दिखाया था एक, ये जो आप यहाँ पर वीडियो आपका शो हो रही है, ये मैंने आपको बताई थी पहले, मैं इस वीडियो को बना चुका हूँ। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था इंट्रो टू कोडिंग, कोडिंग क्या होता है। इसमें मैंने सब चीजें आपको बताई थी, यहाँ तक कि पाइथन का इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था। तो आज पाइथन के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है या नहीं, वो कोई बात नहीं, बट हम फिर भी शॉर्ट में ले लेते हैं। ओके और कौन कौन से टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो वो सब हम आपको बता देंगे। ओके तो ले चलते हैं आपको अपनी फर्स्ट टाइम इस वीडियो एंड इस कोर्स के पावर पॉइंट स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। गाइज आ चुके हम पावर पॉइंट स्क्रीन पर और ये है हमारा पूरा फॉन्ट बना हुआ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्टिंग से एंड तक। उसके बाद हम HTML वगैरह के अपनी कोर्सेस करेंगे। ओके तो मैं इसको आपको ले चलता हूँ स्लाइडिंग फ्रॉम बिगिनिंग पर। यहाँ पर आपको पूरा ठीक से दिख रहा होगा आई थिंक। ओके सारा ठीक से दिख रहा होगा। ओके पाइथन, पाइथन के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो ग्यूडो वैन ड्यूजम द्वारा बनाई गई थी। ये हमने आपको पढ़ाया था। ग्यूडो वैन ड्यूजम आप जानते हैं पाइथन के इन्वेंटर, जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट किया था वो। तो ये पाइथन को आप तब तक कोर्स आप कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप पाइथन महाराज बोलिए तो थोड़ा ठीक लगेगा। पाइथन महाराज बहुत ही तब देखो तब बुरे बन जाते हैं और तब देखो तब बहुत अच्छे बन जाते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो सब हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो यहाँ पर वॉच टिल द एंड ही रहना है पूरा कोर्स। ओके तब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए विदाउट स्किप किए, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। उसके बाद आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस ये है हमारे सारे टॉपिक्स जो पाइथन के अंदर पढ़े जाते हैं, इन्हीं से फंडामेंटल्स बनते हैं, इन्हीं से आगे की जो भी आगे हार्ड कोर में इनको ही पढ़ाया जाता है, इनसे ही पाइथन पूरी लैंग्वेजेस बनी है। आपने ये भी देखा हो कि जितने यहाँ पे आप टॉपिक्स देख रहे हो स्क्रीन पर, वो सभी HTML में भी इस तरह अलग कोड में आ जाते हैं चेंज होकर। ओके तो गाइस पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। ओके पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल्स, आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स पर ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमें 4 2 8 4 3 12 16 16 वीडियोस आपकी कंपलसरी आनी। क्यों? ये सारे हमको आपको पढ़ाने, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाने। ओके इनमें से आपके 4 से 5 डेज आपके मैक्सिमम आपके जो हम आपको एक्सरसाइज दिया करेंगे उनके हो जाएंगे। ओके कितने हो गए 20 डेज। उसके बाद आपके 2 वीकली टेस्ट रख देते हैं। ओके वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आप कमेंट में बोलेंगे भाई हम वो करेंगे। ओके तो आज हम ज्यादा डिस्कस वेरिएबल्स पर करेंगे। ओके वेरिएबल्स पे ही क्यों, इसका भी आंसर है हमारे पास। तो गाइस वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि फर्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स ही लेते हैं। ओके सेकेंड जो टॉपिक पढ़ाया जाता है सारे यूट्यूब चैनल पर, वो इनपुट पढ़ाया जाता है। इनपुट इनपुट क्या होता है ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। कॉनकेटिनेशन क्या होता है, स्ट्रिंग्स तो मेरा फेवरेट है। कौन सा स्ट्रिंग पता है ना गाइस, वही प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला, ये वाला, ये देखा है ना आपने ब्रैक, ये क्या बोलते हैं इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, हेलो वर्ल्ड माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये आपने देखा होगा फर्स्ट प्रोग्राम ही लिखा जाता है इसमें।
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क क्या होता है गाइस? सबसे मेन वर्क तो यही होता है कि जितनी हार्ड आपकी इक्वेशन होगी कोडिंग की, उतना ही जितना अच्छा आप सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा आपका पैकेज होगा। तो पैसे छापने हैं आपको, आईआईटी में जाना है, बीटेक करनी है। पैसे तो तभी छपेंगे तब आप इस लैंग्वेज को या अपनी फेवरेट लैंग्वेज को अपना दोस्त बनाते हो, ओके, और ऐसी लैंग्वेज को अपना गुरु बनाते हो, ओके। तो गुरु मंत्र का नाम लेते स्टार्ट करते हैं आज का पाइथन, ओके। आगे मूव करते हैं कीवर्ड्स पे, क्या होते हैं शॉर्टकट्स, क्या होते हैं बूलियंस। बूलियंस हमने बताया था आपको क्लास में, जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बूलियंस क्या बताता है, कि कोई चीज ट्रू है या कोई चीज फॉल्स है, ओके। उसके बाद गाइस हम मूव करते हैं लूप्स पर, तो लूप्स लूप्स भी बताते हैं आपको। कमेंट्स, कमेंट्स हमने आपको बताया था कमेंट्स क्या होता है। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा वो हो गया ही। तो गाइस मैंने कमेंट आपको बताया था कि कमेंट क्या होता है, और कमेंट तब आप कोई चीज लिख लेते हो। तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ठीक से मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहां पर आप अपना कोड लिख सकते हो विदाउट एनी मनी, आपको बिल्कुल भी इतनी सी भी मनी नहीं देनी पड़ेगी, ओके। ठीक है, तो आगे कमेंट्स आपके, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट यहाँ से ये बाय मिस्टेक हो गया है। टपल्स, लिस्ट, रेंज, सेट रेंज, डिक्शनरी, इफ आई एल्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ये जो पूरा हमारा कोर्स होगा पाइथन का उसके अंदर, ओके। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस देखिए, पहले आपको ये सारे टॉपिक्स आपको कॉपी में लिख लेने हैं, ओके। मैं आपको नोट्स अपने हाथों से बनोगे प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो उस तरह से आपको अपने नोट्स, मेरी लैंग्वेज को आपको कॉपी नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई नुकसान होगा, नुकसान ना मेरा होगा ना आपका। मैं ये बताना चाहता हूं कि नोट्स उन्हीं को कहते हैं जो आप अपने हाथों से अपनी लैंग्वेज में लिखो, ओके। अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो, खुद लिखते हो, तो वो जल्दी आपको याद होगा, जल्दी याद होगा और जल्दी आप उसे सीख जाओगे। आगे पाइथन में बात करते हैं गाइस कि अब पाइथन क्या है। मैंने बोला था कि पाइथन को थोड़ा बहुत लेके चलते हैं साथ में। तो पाइथन आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मैंने अभी भी आपको बताया केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन आपकी, ओके। और इसका मतलब क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है भाई? हमने आप मेरे को पता है कि आपने कई जगह सुना होगा, ये तो मेरे को पता है कि आपको ये भी पता है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इनमें से 98% लोगों को पता होगा कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिन्हें नहीं पता वो देख रहे हैं, ओके। इसका मीन क्या है, ये मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं एक ही है, और ये आपकी एलईडी स्क्रीन पर मैंने इनको राइट किया। आगे लिख रहा है, इफ वी राइट कैपिटल लेटर रॉन्ग सो कंसोल्ट सी आफ्टर एरर, इसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आ जाए लिखा। इफ, यदि हम कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लिख दे, तो जैसे आप यहाँ पर शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैं से कट करता हूं, उसके बाद लिखता हूं आपका हेलो वर्ल्ड, ओके। तो गाइस इसमें तो आपका कोई आएगा नहीं, क्या नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा, ओके। अब देखिए, अब आप देख सकते हो, अब जैसे मैंने यहां पर लिखा ट्रू, अब ये जो टी है ये आप तब अपने कंसोल में तब आप इसे रन करोगे तो आपको एरर दिखाएगा, क्यों? जब वो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, ये आपका वेरीफाइड अप्रूव हो चुका है, यानी ठीक है, ओके। पाइथन महाराज इसलिए बुरे और इसलिए अच्छे कहता हूँ। आगे चलते हैं, वेरिएबल की हमने बोला था कि वेरिएबल की आज बात करेंगे। तो वेरिएबल क्या है, बेसिक मैं बता दें तो बेसिक टाइप्स इन पाइथन, नंबर्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग, बूलियन एंड स्ट्रिंग्स। अब भाई वेरिएबल्स तो हमने पूछ लिया, आपने बता दिया, अब भाई वेरिएबल्स के यहाँ पे टाइप भी लिखे हैं ये तो बता दो भाई। बताते हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग, बूलियन।
इंटीजर्स, फ्लोटिंग, बूलियन एंड स्ट्रिंग्स, ओके, इनमें अलग अलग अंतर है। आई नो अबाउट दिस कि आप में से 100%, 100 नहीं कहते, 99.99% लोग इंटीजर्स को तो जानते होंगे, ओके। इंटीजर्स कौन नहीं जानता। अब मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यूज लिख के बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज ये और व्हाट इज ये, ओके। तो मैं इसके नीचे आपकी न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ओके ओके गाइस। अगर मैं बात करता हूं इंटीजर्स की, तो यहां पर आप देख सकते हो इंटीजर्स किसे कहते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, ये आपके क्या हो गए, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। या INT का जो प्रोग्राम लिखा जाता है इसका मतलब ही इंटीजर्स होता है शॉर्ट में। अब आगे देखें तो ये -2, -3, -4, -5, ये आपके गाइज आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ओके। अब भाई ये तो ठीक है, क्या चीज क्या है या क्या चीज नहीं है, ओके। आपको ऐसे ही समझ आ रहा है या दूसरा व्हाइट बोर्ड आपको माइक्रोसॉफ्ट वाला ले, कमेंट में जरूर बताना। खैर ठीक है, ओके तो चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका हमने इंटीजर तो कंप्लीट कर लिया, अब भाई फ्लोटिंग वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग भी समझाते हैं। देखिए फ्लोटिंग क्या है, फ्लोटिंग बताते हैं। फ्लोटिंग 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 क्या है भाई, अब ये फ्लोटिंग नंबर क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2, क्या है, इंटीजर है भाई, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं यहाँ 0.0 लिख दूं तो क्या है, इट्स नॉट अ इंटीजर इन पाइथन लैंग्वेज, इट्स अ फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग डिजिट, ओके समझ आया। जिस अगर मैं इसे लिख देता हूँ पॉइंट के बाद अगर मैं डिजिट लिख देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो फ्लोटिंग वैल्यू हो जाता है। अब आता है बूलियन, बूलियन ओके। तो बूलियन के लिए भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल रख रखे हैं मैंने, तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ। देखिए नेम इक्वल कुणाल, एज बराबर 15, प्रिंट नेम एज, ये तो मेरा प्रोग्राम है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ इज एडल्ट, तो इसके लिए प्रोग्राम ये वाला लिखा जाता है, अगर हमें पता करना है किसी चीज का तो इज एडल्ट ये लिखोगे पहले, इज एडल्ट क्या, इज एडल्ट क्या, जो भी इसमें पूछा है क्या पूछ रहा है, एज एडल्ट पूछ लेना, इज एडल्ट, तो यहाँ बराबर में आपका ट्रू, प्रिंट आपका कंसोल में हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका बूलियन, ट्रू या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स का, या पता लगा दे वो आपकी बूलियन वैल्यू होती है। अब गई लास्ट इसमें दे रखा है स्ट्रिंग्स क्या होता है भाई, स्ट्रिंग्स भी बताओ ना, ओके बताते हैं। स्ट्रिंग्स की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग्स की बात अगर हम करते हैं गाइस, तो स्ट्रिंग्स आपकी कौन सी वैल्यूज होती है, देखिए स्ट्रिंग्स में आपका यहाँ पे तब आप हेलो वर्ल्ड, तब का यहाँ पर तब आप प्रोग्राम लिखते हो हेलो वर्ल्ड का, तो गाइस ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर ही आपका इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ये इसके ऊपर भी आपका इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ये स्ट्रिंग बन गई। नंबर लिखते हैं स्ट्रिंग का तो कैसे बनता है, तो स्ट्रिंग्स इक्वल टू नंबर, तो गाइस देखिए ब्रैकेट लगा के आपको इसमें इन्वर्टेड कॉमा ना लगाना है, ओके स्ट्रिंग्स के लिए, डिजिट के लिए। तो आई थिंक आपको ये वेरिएबल समझ आ गए होंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर। अब गाइस चलते हैं आपको बिग स्क्रीन, तो ये आपको कंप्लीट हुआ, कमेंट में जरूर बताना। एस लिखना है, एस इक्वल 1, एक एस बराबर, एस मतलब स्लाइड, आपको कमेंट में लिखना है, स्लाइड भी लिख सकते हो, शॉर्ट में बताऊं एस बराबर 1 इज नॉट डिफाइंड, मुझे सही से समझ नहीं आया ये आप बता देना उधर, क्या हिंदी में आप जो से जैसे भी लिखो आप लिखना, बट आपको लिखना जरूरी है ताकि मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ सकूं। और हाँ रैपलेट पे भी मुझे फॉलो करना, अभी रैपलेट पे ले जाता हूँ, क्या बला है रैपलेट भी,
ये भी कंप्लीट हो गया, वेरिएबल भी कंप्लीट हो गए। या ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिख रहा है रैपलिट डॉट कॉम। भाई अभी आपने बोला था कि रैपलिट क्या चीज है, और ये तो रैपलिट भी आ गया। ओके तो बताते हैं रैपलिट क्या है। तो रैपलिट एक ऐसी साइट है, एक ओपन सोर्स मानो इसे, जिसपे आप अच्छी तरह से फ्री में कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट प्रोग्राम अपना प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा। देखिए ये जो है, ये आपकी, मैंने अभी आपको बताया ये स्ट्रिंग्स है, तो मैं str शॉर्ट में लिखते हैं str। ये भी आपकी स्ट्रिंग है, बन सकती है यस या नो, ये आपको जवाब कमेंट में देना है। ओके कमेंट में देना है। अब तब आप इसको रन करते हो इस पे टैप करके, ओके तो आपका जो आंसर आता है वो ये आता है। ओके क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, और ये आपका 5। तो अब बोलोगे भाई कि हमको ठीक से समझाओ, ये तो आपने बता दिया, बट हमें प्रैक्टिकली बताओ कि क्या चीज है। ओके तो ले चलते हैं आपको अपने रैपलेट पर। तो आपको स्टार्टिंग में मैं नहीं करता हूँ, तो मैं रैपलेट डॉट कॉम, मैंने पिछले वीडियो में इसका ट्यूटोरियल बता दिया वैसे। ओके हाँ तो आपको रैपलेट को लॉगिन कर लेना है, वो वीडियो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। माई रैपल्स में जाना है, आप रैपल्स क्रिएट कर सकते हो, मेरी रैपल्स में आप फॉर्क कर लेना, तो मेरी रैपल पे जाओगे आप, लिंक से जाते हो तो वहाँ फॉर्क रैपल आता है, वहां से आपको फॉर्क रैपल पे क्लिक करना है, फिर आप हमारी, मेरा सारा कोड वहाँ लिखा है, बस आपको समझना है। इंट्रो टू पाइथन पे आता हूँ मैं, और मुझे फॉलो जरूर करना है इस पे भी, और हाँ मेरे को यहाँ पर आप चैट भी कर सकते हो मेरी जो भी नई वीडियो आती है। ओके तो गाइस देखिए, यहाँ प्रिंट ये सब लिखा था मैंने इधर, एक मिनट, या मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था, और प्रिंट हेलो वर्ल्ड के बाद प्रिंट 5 को हेलो वर्ल्ड आपका कंसोल में आ गया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सबसे मेन चीज, अब देखिए एरर शो करेगा क्यों भाई, आपने स्ट्रिंग ठीक नहीं बनाई, एक तरफ इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, चलो मान लिया नहीं है। अब रन करें सक्सेसफुल, अगर मैं इधर एक इधर और एक इधर और लगाऊं तो क्या ये करेगा काम? ऑफ कोर्स करेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, डब्बे के अंदर डब्बा रखते हो, डब्बे के अंदर डब्बा रखते हो, अगर आप बाई चांस तो ढक्कन तब आप खोलते हो, उसके अंदर भी डब्बा निकलेगा, उसके अंदर भी डब्बा निकलेगा, चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, जो भी आपकी सामग्री, जो भी आपकी उसके अंदर चीज है, इंग्रेडिएंट्स है, वो आपके ऐसे के ऐसे ही निकलेंगे, क्या वो चेंज होंगे? नहीं। आप चाहे चाहे यहाँ पर आप, एक मिनट, चाहे आप यहाँ पर इसके 3 इधर 4 बराबर हो गए, चाहे आप इधर 8 और 8 इधर कर लें, तब भी आपका हेलो वर्ल्ड ही आना है। अब गाइज अगर हम, यार भैया ये बताओ, मतलब मेरे दोस्त, कि अगर हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा बता देते हैं तो क्या होगा? एरर दिखाएगा फर्स्टली, वाई? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और ये केस सेंसिटिव ही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लैंग्वेज है, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे ले जाती है। ओके तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। ओके गाइस, या गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। तो आज का हमारा वेरिएबल ठीक गया, कैसा गया आप रैपल में भी जाके बताओ, और हमारी रैपलिट में भी जाके बताओ किस तरह आपको ये समझ आया, सारा आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको वहां पर लिख के बताने कैसे समझ आया, और जो मैं आपको, आपको जो प्रॉब्लम्स दूंगा यहाँ पर लिखकर, उनके भी आपको सॉल्यूशन देने हैं, ताकि आप बन जाओ पैसे छापने लायक। ओके तो ये सब आपको स्लाइड, अगर इनकी जरूरत तो आपको खैर पड़ेगी, आप नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाना, बट इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके तो बस व्हाट्स अप गाइस, तो अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो का भाई अगला टॉपिक क्या है वो तो देख लो भाई, एक बार बताते जाओ, या इनपुट्स। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं इनपुट्स को, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारी और ऐसी वीडियो आपसे ना छूट पाए। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइज।